औद्योगिक नगरी पीथमपुर में एक नई पहल देखने को मिली है। दरअसल यहां दिनेश जायसवाल द्वारा उनके पिता की कुछ वर्षों पूर्व सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद ही इनकी पुण्यतिथि पर अपने पिता की याद में लोगों को हेलमेट बांटे जा रहे हैं। दिनेश जायसवाल का कहना है कि मेरे पिता को मैंने सड़क दुर्घटना में खोया, यदि उनके पास हेलमेट होता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं पिछले 5 सालों से हेलमेट बांट रहा हूं कि हमारे द्वारा लोगों को दिए जा रहे हेलमेट से यदि हम एक व्यक्ति को भी सुरक्षित रख पाते हैं, उसकी जान बचा पाते हैं, तो यह उनके पिता को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी प्रण के साथ हम पिछले 5 वर्षों से हर वर्ष लगातार अपने पिता की पुण्यतिथि पर हेलमेट देते आ रहे हैं। इसी सिलसिले में हमने अब पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर लोगों की सुरक्षा के लिए हेलमेट बांटे, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक तरुणेन सिंह बघेल, बगदून थाना प्रभारी तारेश सोनी, नगर पालिका उपाध्यक्ष हर्षराज पटेल, प्रेस क्लब अध्यक्ष कैलाश सागर, कामिल मेहर, केसी शर्मा आदि समाज सेवी उपस्थित रहे। पीथमपुर से संजय सोनग्रह की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।